वेलकम बैक हमने क्लास एलेवेंथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर फोर्थ स्टार्ट किया है दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वन पिछले वीडियो में हमने पार्टनरशिप फॉर्म का पूरा टॉपिक कवर कर लिया था इस वीडियो में हम जॉइन हिंदू फैमिली बिजनेस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे सो लेट अस बिगिन विद द टॉपिक वट इज़ जॉइन हिंदू फैमिली बिजनेस तो नाम से थोड़ा बहुत एक आइडिया है ये कौन से टाइप का बिज़नेस है ये एक फ़ैमिली बिजनेस है यहाँ पे सिर्फ जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं वो मिलकर ये बिज़नेस कंडक्ट कर सकती है चला सकती है और ये जो बिज़नेस है ये सिर्फ हमें इंडिया में ही देखने को मिलेगा आउट ऑफ इंडिया अगर हम किसी भी कंट्री में चले जाएँ तो इस टाइप का बिज़नेस हमें और कहीं देखने को नहीं मिलेगा ऑल राइट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड बट देर इज़ अ यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस विच हैज़ बीन औरिजिनेटेड इन इंडिया इट एग्जिस्ट इन इंडिया ओनली तो अगर हम पूरे वर्ल्ड में घूम लें देख लें तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स के बिज़नेस हमें मिल जाएंगे लेकिन एक यूनिक फॉर्म का बिजनेस है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलेगा और किसी भी कंट्री में हमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो फॉर्म और ओरिजिनेट ही इंडिया में हुआ है वो इंडिया में ही एग्जिस्ट करता है उसका नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस और ज्वाइंट हिंदू फैमिली फॉर्म और राइट मीनिंग देख लेते हैं स्कूल ऑफ थॉट अंडर हिंदू लॉ दो थाट्स हैं फर्स्ट इज मिताक्षरा सेकेंड इज दया बाघा तो वॉट इज मिताक्षरा अकॉर्डिंग टू द स्कूल ओनली मेल मेंस ऑफ द फैमिली कैन इनहेरिएट द फैमिली बिजनेस हैंस द सन्स ग्रैंड सन्स एंड द ग्रेट ग्रैंड सन्स बिकेम जॉइंट ओनर ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी तो अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा जो स्कूल ऑफ थाट है इसके अंदर सिर्फ फैमिली में जो मेल मेम्बर्स होंगे उनके पास ही हक होगा फैमिली बिजनेस को आगे चलाने का उसको इनहेरिएट करने का और right. जो भी बेटा होगा बेटे का बेटा होगा ग्रेट ग्रैंड सिर्फ़ वही जो है बिज़नेस प्रॉपर्टी या फैमिली बिजनेस आगे चला सकता है उसको ही विरासत में ये सारी प्रॉपर्टी फैमिली बिजनेस चलाने का पूरा हक होगा वही इसका ओनर भी होगा सन गेट्स इक्वल राइट अलॉन्ग विद हिज फादर इन द एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही हैज़ अ राइट टू आस्क फॉर अ डिविजन ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी तो सिर्फ बेटों का हक होगा अपने फादर अपने पिता के प्रॉपर्टी के ऊपर राइट लेने का हक लेने का जो भी पुश्तैनी प्रॉपर्टी होगी चाहे वो बिजनेस हो चाहे फैमिली प्रॉपर्टी हो उनका बेटों का सिर्फ पूरा हक़ होगा फैमिली की प्रॉपर्टी में डिविजन मांगने का हिस्सा मांगने का अपना दिस स्कूल इज़ पॉपुलर इन इंडिया एक्सेप्ट आसाम बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ ओडिशा तो ये जो स्कूल है मिताक्षरा वाला ये पॉपुलर है इंडिया में खाली कुछ पार्ट्स में ये पॉपुलर नहीं है फेमस नहीं है कहाँ पे नहीं फेमस है तो आसाम बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ ओडिशा में ये टाइप का जो स्कूल है वो पॉपुलर नहीं है बाकी पूरे इंडिया में इस टाइप का स्कूल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है नेक्स्ट है दया बाघा अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर विल बी को पासनर्स इन द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो दया बाघा के अकॉर्डिंग जो फैमिली में दोनों मेंबर्स चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो दोनों मेंबर्स के पास इक्वल राइट right है फैमिली बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करने का फैमिली बिजनेस को चलाने का वो दोनों चाहे वो मेल हो चाहे फ़ीमेल मेंबर हो दोनों के दोनों मेंबर्स फैमिली बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो को पासनर्स बनेंगे एग्जाम्पल गिवन है आफ्टर डेथ ऑफ़ हजबैंड हिज प्रॉपर्टी एंड बिजनेस पासिस ऑन टू हिज वाइफ एंड अदर सक्सेसर अगर किसी फैमिली में किसी हस्बैंड की डेथ हो रही है तो उसके बाद जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी होगी वो पास ऑन हो जाएगी उसके वाइफ के या उसके बच्चों के नाम पर ऑल राइट नेक्स्ट इज डेफिनेशन अंडर हिंदू लॉ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज़ अ फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सनस लीनियली डिसनेट फ्रॉम a कॉमन ancestor और इंक्लूड्स their वाइफ एंड unmarried डॉटर्स a हिंदू undivided फैमिली कैन नॉट बी क्रिएटेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट तो ये क्या है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये जो बिजनेस है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में देखने को मिलेगा यहाँ पे जो पर्सन हैं जितने भी लोग हैं इस फैमिली में वो एक कॉमन एनसिस्टर के आते हैं मतलब पूर्वज के पूर्वज पूर्वज के पूर्वज एक ही फैमिली जो है उनके ही बेटे बेटी जितने भी होंगे उनकी जो वाइफ्स होंगी उनके बच्चे होंगे सिर्फ वही एक ही फैमिली में ही बिजनेस चलेगा बाहर किसी फैमिली से अगर हम बोल दें या किसी आउटसाइडर्स को हम अगर इस पर्टिकुलर बिजनेस में पार्टनर बनाएं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा यहाँ पे सिर्फ एक ही फैमिली के जितने भी मेंबर्स होंगे वही इस फैमिली के मेंबर्स होंगे और पार्टनर्स भी होंगे अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन नॉट बी क्रिएटेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट और कोई भी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट हम बनाएंगे नहीं ये बाय डिफॉल्ट ही ये बिजनेस हम कंडक्ट कर सकते हैं कैरी कर सकते हैं अगर कोई भी जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली अपना बिजनेस चला सकती है अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ ऑल राइट नेक्स्ट इज फीचर्स देख लेते हैं फर्स्ट इज एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया इट इज़ गाइडेड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 तो ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है ये सिर्फ और सिर्फ हमें इंडिया में देखने मिलेगी और ये कब चल रही है और किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आई अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ऑलराइट नेक्स्ट इज़ फॉर्मेशन दर्मेशन ऑफ हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज सिंपल इट इज़ फॉर्म एज़ पर ऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ तो फॉर्मेशन मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस को बनाना उसको स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी है अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ कोई भी इंडियन फैमिली जो है वो अपना ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकती है एवरी मेम्बर बिकेम्स अ मेंबर बाय बर्थ एंड नॉट बाय एनी एग्रीमेंट तो फैमिली में जितने भी मेम्बर्स होंगे ये बिज़नेस जो फैमिली बिज़नेस हैं उसके मेंबर हो जाएंगे बाय बर्थ अगर कोई न्यू मेम्बर का बर्थ होता है तो वो भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा उस बिज़नेस का एक मेंबर हो जाएगा किसी भी तरीके का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है द सीनियर मोस्ट मेंबर इज़ कॉल्ड एज करता रिमेनिंग मेंबर्स आर कॉल्ड एज को पासनर्स तो ये जो दो कॉन्सेप्ट दो वर्ड्स हैं करता और को पासनर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा जो बिजनेस का हेड होगा उसे हम करता बोलते हैं और राइट right. और जो जितने भी बाकी मेंबर्स हैं जितने भी बाकी के जो लोग हैं जो करता के अंडर काम कर रहे हैं हम उन्हें बोलेंगे को पासनर्स तो जो सीनियर मोस्ट मेंबर है जो हेड ऑफ़ द बिजनेस है उसको बोलेंगे करता और बाकी के जितने भी मेंबर्स होंगे वो होंगे कोपासनर्स और राइट नेक्स्ट इज मेंबरशिप देर इज़ नो लिमिट ऑन मेंबरशिप वन बिकम्स अ को पासनर बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ लीगल एडॉपशन और मैरिज इन टू द फैमिली तो मेंबरशिप जो है उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम फिफ्टी मेंबर्स थे और मिनिमम टू मेंबर्स रिक्वायर्ड थे बट यहाँ पे ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है जितने भी लोग फैमिली में बर्थ होगा वो अपने आप ही इस बिजनेस के क्या हो जाएंगे मेंबर बन जाएंगे कोपासनर्स बन जाएंगे अगर लीगली किसी बाहर से किसी बच्चे को अडॉप्ट किया हो फैमिली में शादी हो रही है तो और बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएंगे इस फैमिली बिजनेस के एक मेंबर हो जाएंगे को हो जाएंगे ऑल नेक्स्ट इज जॉइंट ओनरशिप द प्रॉपर्टी ऑफ जॉइंट हिंदू बिजनेस इज ज्वाइंटली ओन बाय करता एंड दी को तो ओनरशिप कैसी होती है इसकी जॉइंट होती है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो ओनर है वो करता और को दोनों होते हैं द बिज़नेस इज़ जॉइंटली ओन बाय थ्री जनरेशन्स ऑफ द फैमिली करता इज़ द कस्टोडियन ऑफ द जॉइंट प्रॉपर्टी तो बिज़नेस ज्वाइंटली ओन होता है तीन जनरेशन से जो तीन जनरेशन्स होंगे दैट इज़ ग्रैंड फादर उसके फिर उसके बाद फादर उसके बाद उसका बेटा इस तरीके से इन जनरेशन जो है वो ओनर होंगे और जो करता है वो पूरे के पूरे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का कस्टोडियन होगा वो बिजनेस चलाएगा और राइट नेक्स्ट इज गुड क्रेडिट स्टैंडिंग द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कंडक्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इट इन्जॉयज़ गुडविल इन द मार्केट द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा क्योंकि फैमिली है तो फैमिली में हमेशा कोई ना कोई रहेगा बर्थ होगा मतलब फैमिली ख़त्म नहीं होगी तो वो काफ़ी लंबे समय तक बिज़नेस चल सकता है इसके लिए उसका जो गुडविल है मार्केट में उनकी जो रेप्यूटेशन है वो काफ़ी अच्छी रहती है इट अश्योर्स दैट द क्रेडिटर अबाउट पेमेंट ऑफ द लोन तो क्रेडिटर जो भी उधार देगा बिजनेस चलाने के लिए वो उनको पता होगा कि हमें अपना पैसा वापस मिलेगा तो लोन भी लोग देने के लिए रेडी हो जाते हैं दी लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज़ अनलिमिटेड सो बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर रेडी टू ग्रैंड लोन और जो करता हेड ऑफ़ द बिजनेस हेड ऑफ़ द फैमिली उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है इसके लिए जो भी बैंक्स होंगे या फिर बाकी के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो लोन देने के लिए रेडी हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कर्ता की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है अगर बिजनेस प्रॉपर्टी बेच के भी पैसे पूरे रिकवर नहीं हुए तो करता का पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज किया जा सकता है पैसे को रिकवर करने के लिए ऑल राइट नेक्स्ट इज मैनेजमेंट द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज मैनेज बाय करता तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को चलाता कौन है उसको मैनेज कौन करता है करता दैट इज़ हेड ऑफ़ द फैमिली द को पार्सनर्स हैव नो राइट्स टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ फैमिली बिजनेस और जो को पासनर्स हैं जो बाकी के मेम्बर्स हैं उनके पास कोई अधिकार नहीं है कोई राइट right नहीं है फैमिली के बिज़नेस में उसको फैमिली बिजनेस को मैनेज करने का या उसमें मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का हाव एवर करता मे कंसल्ट द मेंबर ऑफ फैमिली वाइल टेकिंग एनी डिसीजन तो लेकिन करता जो है हो सकता है वो बाकी के मेंबर्स से कंसल्ट करें उनसे उनकी एडवाइस ले सकता है डिसीजन लेने में बट एट द एंड जो डिसीजन लेना है जो फैसला लेना है बिजनेस के लिए वो हमेशा करता ही लेगा ऑल राइट नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज़ नॉट फॉर्म बाय एनी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट सो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के तहत नहीं बना गया है वो हिंदू लॉ के एक्ट के अकॉर्डिंग बना है देर इज़ नो स्पेसिफिक रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयर बाय करता एंड कोपासनर्स तो इसके लिए कोई भी एक स्पेसिफिक रेशियो नहीं दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का कि कर्ता के पास कितना प्रॉफिट लॉस होगा और कोपासनर्स बाकी के जो मेम्बर्स हैं उनके पास कितना प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो आएगा ऐसा कोई एक स्पेसिफिक रेशियो जो है वो गिवन नहीं है क्योंकि एग्रीमेंट ही बना नहीं है सो द रेशियो कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन बर्थ एंड डेथ इन द फैमिली तो जो रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो हमेशा चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द बर्थ एंड डेथ जितने भी फैमिली में अगर बर्थ होगा कोई बर्थ होगी तो ऑब्वियसली जो मेंबर होगा वो एक और ऐड हो जाएगा तो प्रॉफिट और लॉस का रेशो जो है वो चेंज हो जाएगा अगर किसी की डेथ होगी तो फैमिली में एक मेंबर और कम हो जाएगा तो वापस क्या हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो जो है वो फिर से चेंज हो जाएगा तो रेशो जो है वो फिक्स नहीं होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ऑल राइट इट कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द डेथ एंड बर्थ ऑफ द फैमिली मेम्बर्स नेक्स्ट इज़ मेरिट्स तो देख लेते हैं मेरिट्स क्या क्या है दैट इज़ एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पॉइंट्स गिवन है एक एक करके देखते हैं फर्स्ट इज़ ईजी फॉर्मेशन Joint Hindu family business is easy to start as registration and agreement is not required for its formation. The joint Hindu family business बहुत easy है start करने के लिए क्योंकि इसमें कोई registration करने की जरूरत नहीं है कोई agreement नहीं बनाना है कोई contract नहीं sign करना है There is no restriction on minimum and maximum numbers of members. It comes into existence as per Hindu law. तो कोई भी restriction नहीं है कि कम से कम कितने लोग चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग चाहिए ज्वाइन हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग अपने आप ही फॉर्म हो जाता है तो जो भी इंडियन फैमिली है हिंदू फैमिली है जॉइंट है जॉइंट हिंदू फैमिली है वो बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकती है नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ को पासनर्स इंटरेस्ट को पासनर्स हैव राइट टू डिमांड पार्टीशन करता टेक्स एट मोस्ट केयर ऑफ देयर इंटरेस्ट तो जो को पासनर्स है मतलब फैमिली में जितने भी मेम्बर्स हैं उन्हें हम को पासनर्स बोलते हैं उनके पास पूरा राइट है उनके पास पूरी अधिकार है अपने जो हक हैं उनका डिमांड करने के लिए या फिर बिजनेस में पार्टी पार्टीशन करने के लिए डिविजन करने के लिए कर्ता हमेशा ध्यान रखता है अपने को पासनर्स का अपने बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स के हक का इंटरेस्ट का हमेशा ध्यान रखता है क्विक एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन द करता इज सीनियर मोस्ट फैमिली मेम्बर तो सबसे सीनियर जो पर्सन होता है फैमिली में वही हेड होता है फैमिली का और वही कर्ता बनता है और राइट करता हैज़ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द फैमिली बिजनेस और जो करता होता है वो बिजनेस का हेड है फैमिली का हेड है उसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस भी होता है और नॉलेज होता है करता टेक्स ऑल डिसीजन ऑल बिजनेस डिसीजन तो जितने भी बिज़नेस के डिसीजन होंगे वो सारे के सारे डिसीजंस फैसले कौन लेगा करता ही लेता है करता कैन टेक राइट एंड क्विक डिसीजन एट द राइट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस तो जो भी फैमिली का सबसे बड़ा आदमी होता है वही कर्ता बनेगा फैमिली का जो हेड होता है वही कर्ता की पोजीशन लेगा क्योंकि जो बाकी के मेंबर्स हैं उनकी एज कम होगी जो सबसे सीनियर होता है फैमिली में वही बिज़नेस जो है उसका हेड होता है तो ऑब्वियसली उसके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है नॉलेज भी काफ़ी होती है बिज़नेस चलाने की तो वो अपने एक्सपीरियंसेस से अपने नॉलेज से डिसीजन जो है फैसले जो हैं वो तुरंत लेता है क्विक लेता है और टाइम पर लेता है इसके वजह से जो बिजनेस है वो अच्छे से चलेगा भी और डिसीजन तुरंत भी ले सकते हैं किसी को पूछने की या कंसल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती नेक्स्ट इज़ ऑन द जॉब ट्रेनिंग द मेम्बर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस गेट ट्रेनिंग ऑफ द बिजनेस स्किल्स ऑटोमेटिकली तो यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलती है मतलब क्योंकि वो फैमिली में जैसे उनका जन्म होता है बर्थ होता है तो वो पहले से देखते देखते बड़े होते हैं कि फैमिली में जो बिज़नेस है वो कैसे चलता आ रहा है तो मतलब वो देखते देखते सारी चीज़ें उनकी ट्रेनिंग हो जाती है उनको अलग से ट्रेनिंग लेने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने आप ही जो स्किल्स हैं जो सीखना है वो देखते देखते फैमिली में वो अपने आप सीख जाते हैं दे ऑब्जर्व द मैनेजमेंट ऑफ करता दे लर्न मैनी बिजनेस टैक्टिक्स तो वो देखते हैं कि करता किस तरीके से पूरे बिज़नेस को चला रहा है कैसे मैनेजमेंट करता है लोगों को एडवाइस दे रहा है कंट्रोल कर रहा है गाइड कर रहा है वो सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के वो अपने आप से जितने भी बिज़नेस के टैक्टिक्स हैं बिज़नेस किस तरीके से चलाना है वो अपने आप सीख जाते हैं उनको ट्रेनिंग लेने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती नेक्स्ट इज़ को पासनर्स लाइबिलिटी द लाइबिलिटी ऑफ को पासनर्स इज़ लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर इन द हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस तो जो को पार्टनर्स हैं फैमिली के जितने भी मेम्बर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है मतलब उनके नाम पे जो भी प्रॉपर्टी होगी या जितने भी शेयर होगी बिजनेस में सिर्फ उतना ही वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लाइबल होंगे डेप्थ को पे करने के लिए हैंस द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द को पासनर्स इज़ नॉट यूज फॉर द पेमेंट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस लाइबिलिटी तो बाकी के जितने भी मेम्बर्स हैं दैट इज़ को पासनर्स हैं उनकी जो भी प्रॉपर्टी होगी बट बिजनेस में जो होगी प्रॉपर्टी सिर्फ वही यूज़ की जाएगी डेप्थ को उधार को पे करने के लिए उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की जा सकती है फॉर पेमेंट ऑफ़ एनी डेप्थ और लाइबिलिटी और राइट नेक्स्ट इज़ डी मेरिट्स तो डी मेरिट्स क्या हैं डिसएडवांटेजेस क्या हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के वो देख लेते हैं फर्स्ट इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ करता तो हमने देखा मेरिट्स में को पासनर्स की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है बट करता की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है तो ये डिसएडवांटेज है करता ऑलवेज फेसिज द रिस्क ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी इफ़ द बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशियंट फॉर द पेमेंट ऑफ़ बिजनेस लाइबिलिटीज़ एंड द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ करता इज़ यूज फॉर द पेमेंट ऑफ बिजनेस लाइबिलिटी तो करता की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है इसके लिए करता के पास हमेशा एक रिस्क होता है फाइनेंशियल रिस्क ऑल राइट अगर बिजनेस का जो एसेट्स है बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है वो बेच कर भी जो लाइबिलिटीज़ हैं जिस बिजनेस की उधार अगर पेमेंट करके नहीं होती है तो कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ की जा सकती है बिजनेस की लाइबिलिटीज़ उधार को पे ऑफ़ करने के लिए और राइट नेक्स्ट इज़ लिमिटेड फाइनेंशियल एंड मैनेजेरियल रिसोर्सेज द फंडिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर लिमिटेड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज़ यूज एज अ कैपिटल ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस तो जो फाइनेंस है जो पैसा है जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस को चलाने के लिए वो कम होता है और जो मैनेजेरियल रिसोर्सेज़स है बिज़नेस चलाने के लिए जो मैनेजमेंट लगता है वो भी उसकी भी कमी है फंडिंग कैसे होती है ओब्वियसली बिज़नेस में पैसा कहाँ से आएगा जो लोन हम लेंगे या तो फिर जो भी पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है ज़मीन होती है वही हम यूज़ करते हैं बिज़नेस को चलाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए और जो मैनेजेरियल स्किल्स हैं वो ऑब्वियसली जो मैनेज करता है पूरा बिजनेस कौन चलाता है करता ही चलाता है बिकॉज वही सबसे ज़्यादा सीनियर होता है और हेड होता है, है फैमिली का तो वही करता बनेगा करता मे और मे नॉट पोजेज एक्सपर्ट मैनेजेडल स्किल सो देर इज लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपांशन तो हो सकता है जो सबसे सीनियर है उसी को हम फैमिली में एज अ करता बनाएंगे क्योंकि बाकी ये ही एक रूल है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का कि जो सबसे सीनियर होता है वो फैमिली बिजनेस का हेड होता है तो मे बी जो सीनियर मोस्ट मेंबर है उसके पास एक्सपर्ट मैनेजेरियल स्किल्स ना हो वो डिसीज़न लेने के लिए उतना काबिल नहीं है बट क्योंकि वो सीनियर है तो उसको हेड बनाया है तो इसके वजह से मे भी डिसीजन वो ठीक से ना ले पाए जो बिज़नेस के लिए प्रॉपर ना हो सही ना हो तो इसकी वजह से मैनेजमेंट भी ठीक से नहीं चल सकता तो ये भी क्या है एक लिमिटेशन है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का नेक्स्ट इज नो सेपरेट लीगल स्टेटस इन द आई ऑफ़ लॉ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड द फैमिली मेम्बर्स आर वन एंड द सेम बिजनस डज नॉट हैव सेपरेट लीगल स्टेटस तो अगर हम लॉ के नज़र में देखें कानून के नज़र में देखें तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और जो भी फैमिली के मेम्बर्स हैं वो एक ही हैं बिजनेस और फैमिली मेम्बर्स अलग अलग नहीं होते राइट बिजनेस right. का अपना खुद का एक पहचान नहीं है उन बिज़नेस की पहचान फैमिली के मेम्बर्स के वजह से ही बिजनेस है ऑल राइट right. नेक्स्ट इज पार्टी पार्टीशन ऑफ़ बिजनेस द नंबर ऑफ मेम्बर्स आर मोर इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्स एंड डिस्प्यूट्स तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा मेम्बर्स होते हैं क्योंकि फैमिली ज्वाइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली में ऑब्वियसली मेम्बर्स ज़्यादा होंगे और जब मेंबर्स अगर ज़्यादा होंगे तो उनके बीच में झगड़े होंगे कॉन्फ्लिक्ट होंगी डिस्प्यूट्स होगा को पार्सनर्स में भी डिससेटिस्फाइड विद द मैनेजमेंट ऑफ करता दिस कैन लीड टू पार्टीशन ऑफ़ बिजनेस हो सकता है जो को पार्टनर्स हैं जो बाकी के मेंबर्स हैं वो मैनेजमेंट का जो डिसीजन है मतलब जो करता जो भी डिसीजन लेता है उससे वो डिसटिस्फाइड है उनसे वो सहमत ना हो तो जिसके वजह से क्या होगा अगर वो करता के डिसीजन से डिसटिस्फाइड होंगे सहमत नहीं होंगे तो झगड़े होंगे डिस्प्यूट्स होंगी जिसकी वजह से वो अपना हक जो है वो बिज़नेस में मांगेंगे और बिज़नेस में पार्टीशन कर देंगे बिज़नेस को डिवाइड कर देंगे ऑल राइट right. नेक्स्ट इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफ़र्ट एंड रिवॉर्ड तो यहाँ पे एफ़र्ट्स और रिवॉर्ड के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कर्ता इज़ द मैनेजर ऑफ़ द बिज़नेस ही यूज़ हिज़ नॉलेज एंड स्किल फॉर रनिंग बिजनेस सक्सेसफुली तो पूरे के पूरे बिजनेस को चलाने का पूरा काम किसके ऊपर रहता है करता के ऊपर रहता है क्योंकि वही सबसे हेड है तो उसी के ऊपर बिज़नेस चलाने का पूरा का पूरा जिम्मेदारी होगा वो अपनी नॉलेज यूज़ करेगा अपनी स्किल्स यूज़ करता है बिज़नेस को अच्छी तरीके से सक्सेसफुली चलाने के लिए द रिवॉर्ड ऑफ द बिजनेस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द कोपासनर्स लेकिन जो रिवॉर्ड है वो बाकी सारे के सारे मेंबर्स में अपनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा मेहनत सारे के सारे चलाने के लिए डिसीजन लेने का काम सब करता करेगा उसकी लाइवलिटी भी होती है अनलिमिटेड ऑल राइट वो रिस्क भी ज़्यादा लेता है लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो बाकी के सारे के सारे पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है द हार्ड वर्किंग एज वेल एज इन एफिशियंट कोपासनर्स शेयर द प्रॉफिट और जो भी प्रॉफिट होगा मे बी कोई को पासनर्स बाकी के कोई कोई मेम्बर्स होंगे फैमिली में जो ज़्यादा मेहनती ना हो, हो सकता है वो इन हो लेकिन फिर भी उनको प्रॉफिट तो उतना मिलेगा ही ऑल राइट right. इसके लिए यहाँ पे एफर्ट और रिवॉर्ड मतलब हो सकता है जो ज़्यादा मेहनत कर रहा हो, हो उसको प्रॉफिट कम मिले और जो मेहनत ही नहीं कर रहा है उसको भी प्रॉफिट मिले क्योंकि वो क्या है फैमिली का एक पार्ट है एक मेम्बर है तो इसके वजह से एफर्ट और रिवॉर्ड का यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता और राइट सो आई होप आपको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया हो हमने यहाँ पे फीचर्स मेरिट्स डी मेरिट्स ये पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए तो यहाँ पे हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का पूरा टॉपिक कवर हो गया है सो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा नेक्स्ट पार्ट जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे सो थैंक यू फॉर योर टाइम